स्टूडेंट्स वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी की क्लास में देखेंगे चंद्रबिंदी की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास और चंद्रबिंदी की मात्रा वाले शब्दों का अर्थ आज हम लोग सीखेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है शब्द और अर्थ। ये आप शब्द में देख सकते हैं कि ये क्या है, चंद्रबिंदी की मात्रा लगाते हुए ये शब्द बने हुए हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कांगा, आंख, दांत, चांद, पूंछ और सांप। अगला हमारा क्या देखना है, अर्थ। तो इन शब्दों के हमें क्या करना है, अर्थ लिखने हैं और उसे सीखने हैं। चलिए देखते जाते हैं। तांगा, तांगा का मतलब क्या है बच्चे, घोड़ा गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना। पहले समय में हम लोग बोलते थे इसको टम टम, घोड़ा गाड़ी को हम लोग क्या बोलते थे टम टम, यानी कि तांगा। जो घोड़े से खींची चलने वाली गाड़ी होती है उसे हम तांगा बोलते हैं या टमटम बोलते हैं। आंख, ये देखिए आंख, तो आंख को हम लोग और क्या कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं। तो आंख नयन। अगला हमारा देखिए दांत, दांत को क्या कहेंगे हम लोग, दंत ही कहेंगे बच्चे, दंत। दंत का मतलब ही दांत ही होता है। चांद है, चांद को और हम लोग क्या कह सकते हैं, चंद्रमा या शशि, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है बच्चे। अगला है हमारा देखिए पूंछ, तो पूंछ को हम लोग और क्या कह सकते हैं, दुम, दुम। पूंछ को क्या से कहते हैं, दुम, यानी कि पूंछ का अर्थ है दुम। और सांप, सांप को हम लोग और क्या कह सकते हैं, सर, सर, ठीक है। तो ये रहा बच्चे आपका आज का वर्ग, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो जो